क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में लिटरेचर रिव्यू इज़ एन असेंशियल पार्ट वैसे तो क्वानिटेटिव का भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है लिटरेचर uh, रिव्यू जो है वो एम्पेरिकल लेंजेज प्रोवाइड करता है एम्पेरिकल एज वेल एज थ्रिटिकल लेंजेज़ और एविडेंस होती है कॉन्सेप्ट के बारे में कंस्ट्रक्ट के बारे में एज वेल एज इट गिवस एन आइडिया वट हैज़ ऑलरेडी बिन डन इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज और उससे आप क्या वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं आ, फिर ये आपको एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है उसमें क्या बॉडी ऑफ नॉलेज में गैप है कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वो हमें गाइड करता है तो जब आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है तो ये बात लाजमी इंश्योर करनी है ये नहीं कि ये फ़लाने ये स्टडी कंडक्ट की उसकी ये फाइंडिंग थी दैट्स इट ऐसा बिल्कुल नहीं करना यू मस्ट एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू और उसमें से एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को आपने जस्टिफाई करना है कि एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर ये ये गैप है क्वालिटेटिव रिसर्च का रिपोर्ट लिखते हुए गैप को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है um, और कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है क्या उसके अंदर मिसिंग है और फिर उससे आपने अजम्पन्स बनानी है अजम्पन्स मीन स्टेटमेंट्स अबाउट द सोशल वर्ल्ड दैट मे बी ट्रू और दैट मे बी फॉल्स लेकिन आपने अपना केस बिल्ड करने के लिए जम्पशनस बनानी है आई अज्यूम दिस वन दैट देयर वुड बी समथिंग लाइक दैट तो ये आपने अज्यूम करना है और जब आप अज्यूम करेंगे तो फिर उसके बाद आपने एक प्रोसेस को राइट अप में लाना है और वो प्रोसेस क्या है uh, सबसे पहले कि वट इज़ द टॉपिक ऑफ रिसर्च एरिया और फिर उसके बाद वट इज़ द क्लेम ऑफ द ऑलरेडी जो आथर्स थे उनके क्लेम क्या हैं आपका क्लेम उससे किस तरह से मिलता है या डिफरेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स की लेस इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च क्वेश्चन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है दूसरों ने क्या मैथडोलोजी यूज़ की है वो आप, आपकी और उनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है उन्होंने कौन से थेरेटिकल या एम्पेरिकल लेंस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में यूज़ किए गए हैं और आपके क्या हैं और दोनों के दरमियान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंसेस हैं ये एक्सटेंसिवली आपने लिटरेचर रिव्यू जब करना है तो साथ में ये रिपोर्ट के अंदर लिखना इंतहाई ज़रूरी है और उसको लॉजिकली अरेंज करना और इतना सिस्टमेटिक अरेंज करना है कि एक सीक्वेंस नज़र आए ये ना कि पढ़ते हुए लोग बोर हो जाएँ पढ़ना छोड़ दें आ, उनका इंटरेस्ट ही ना हो इन्फॉर्मेशन या तो है नहीं अगर हैं तो वो इतने लॉजिकली अरेंज नहीं है आ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लिटरेचर रिव्यू में आता है कि स्टूडेंट जस्ट कापी पेस्ट करके ला के रख देते हैं वो समझते हैं वी हैव डन द रिसर्च दैट इज़ नॉट द केस इवन लिटरेचर रिव्यू कापी एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं तो ये तो क्रिमिनल एक किस्म का ऑफेंस है आ, और कापी की सीरियस वायलेशन है आई हाईली सेंसटाइज के जो भी आप काम कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना आपने लॉजिकली अपना केस बिल्ड करना है ख़ुद से लिखना है और सिस्टमेटिकली लिखना है और बताना है कि ये ये काम करना है ये नहीं कि किसी और का काम किया और ला के सामने रख दिया और फिर आ, क्या टूल्स टेक्निक्स दूसरों ने यूज़ किए क्या वो आपके स्टडी को जस्टिफाई उसी तरह के टूल्स टेक्निक्स करते हैं या दूसरे को टूल्स एंड टेक्निक्स करते हैं जनरली हम कहते हैं कि जो डिफरेंट सिक्स टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू उनको सामने रखते हुए आ, 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 आपने लिखना है लेकिन कॉन्टेक्चुअल रिव्यू जो है वो लाजमी आप करें थीमेटिक करें और मैट्रिक रिव्यू ये लिटरेचर मैट्रिक्स का जब हमने डिस्कस किया था लिटरेचर रिव्यू तो डिटेल में लिटरेचर मैट्रिक्स पे बात की है आ, एक दो चीज़ें जो मैं यहाँ एडिशनल बताना चाहूँगा कि जब हमारे स्टूडेंट्स लिटरेचर लिख के लाते हैं तो वो स्टेट ऑफ द अफेयर या स्टेट ऑफ द आर्ट देते ही नहीं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो है क्या वो स्टेट ऑफ़ द आर्ट या यानी लिटरेचर रिव्यू या सिचुएशनल एनालिसिस जो आपने प्रेजेंट करना है अपने रिसर्च का अब मिसाल के तौर पे मैंने अगर एक्सचेंज मैरेजिज़ पे काम किया है तो मैंने उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस किया कि हिस्टोरिकली दुनिया में थ्री मोड्स ऑफ एक्सचेंज मैरिज़ थे नंबर वन वीमेन बाय कैप्चर number two women by fight and number three women by exchange that was one of the most uh, uh, um, a kind of a um, uh, sophisticated way to get married looking at the same time of historical review karte ke, um, 1930s mein, for example africa marriages kya thi, um 1940s mein kya thi, pakistan ke या इंडियन सब के अंदर क्या सिचुएशन थी एक्सचेंज मैरिजेस की ट्वेंटिय सेंचुरी में क्या है ट्वेंटी सेंचुरी में क्या एनालिसिस है तो आपने हिस्टोरिकल अकाउंट बिल्ड करना है वो रीडर के लिए फ्रेंडली होता है और पढ़ने में आसानी होती है बाज़ात हम सिर्फ रीजनल कंपैरिजन भी दे देते हैं मिसाल के तौर पे एक्सचेंज मैरेजेज़ इन पाकिस्तान एक्सचेंज मैरिजेज़ इन साउथ एशिया एक्सचेंज मेरेजेज इन एशिया एक्सचेंज मैरेजिज इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन द डिवल्प वर्ल्ड तो ये भी आप दे सकते हैं इसको रिवर्स आर्डर में भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पे एक्सचेंज मैरेजेज इन दी वर्ल्ड एक्सचेंज मैरेजिजस इन दी डेवलप्ड नेशन एक्सचेंज मैरेजिज इन दी डेवलपिंग नेशंस इन साउथ इन एशिया साउथ एशिया दैन आप पाकिस्तान में तो ये अदर वे राउंड भी आप लिख सकते हैं वट इज़ मोस्ट लॉजिकल फॉर यू और फॉर योर स्टडी यू कैन डू दैट इसी तरह से आप लॉजिकल अरेंजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि आप लॉजिकली बताएं कि आर्गुमेंट क्या है आपका किस तरह का आर्गूमेंट जो है वो होना चाहिए पहले क्या आर्गुमेंट आएगा दूसरे लेवल पे क्या आएगा तीसरे लेवल पे क्या आएगा तो एक लॉजिकल अरेंजमेंट आपकी स्टडी के अंदर लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए नज़र आनी चाहिए फिर कंटेक्शल रिव्यू जो आप कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड रिव्यू कर रहे हैं आ, उसको जहन में रखना है बाज़ स्टूडेंट मेरे सामने जस्ट थीमेटिक वो कहते हैं जी हमने थीमेटिक रिव्यू करके ले हैं हालांकि उन्हें पता ही नहीं होता कि थीमेटिक रिव्यू है क्या वो कहते हैं एक थीम हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बना दिया एक सोशल पे बना दिया एक कोई और बना दिया वो ला के रख दिया हकीकत में वो ना सिर्फ रीडर फ्रेंडली नहीं होता वो बोरिंग भी होता है कि आपने कोई एक आर्गूमेंट कहीं पर कर दिया अगला जो आर्गूमेंट इवन विद इन द पैराग्राफ कोई लॉजिक नहीं होती कि पिछले आ, आ, पिछले पैराग्राफ में क्या बात की है या इवन पिछले सेंटेंस में क्या बात की है और अगले में क्या की है तो समटाइम इट्स वेरी बोरिंग कि जो आपका रीडर है वो पढ़ते हुए इतना एग्जास्ट हो जाता है या इतना बोरिंग किस्म का आर्गुमेंट होता है तो आपने अपने लिटरेचर रिव्यू को लिखते हुए इतना लाइवली बनाना है कि कोई भी पढ़ते हुए जब तक वो कंप्लीट नहीं पढ़ता उसका इंटरेस्ट आपकी स्टडी में रहे क्योंकि अल्टीमेटली एज ए आथर आपकी अचीवमेंट वही होगी कि लोग आपके काम को पढ़ें पहली बात और पढ़ने के बाद फिर वो उसको साइट करें ये दूसरा आर्गुमेंट जब ये आ, पढ़ने और साइट करने के बाद ही अकनोलेजमेंट आती है दैट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन एकेडमिक्स और फिर उससे आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है और प्रोफेशनल स्ट्रेंथ जो है ना वो जूँ ही आपका ओवरऑल uh, जो प्रोफेशनल इंडेक्सिंग uh, बनती है कि ये दिस इज़ द गुड रिसर्चर और दिस इज द बैड रिसर्चर किसने क्या काम किया है अब तो दुनिया ने भी आ, एक किस्म का लॉजिकली अरेंज करके एक इंडेक्सिंग uh, डेवलप करना शुरू कर दिए हैं कि दुनिया के टॉप टू परसेंट साइंटिस्ट टॉप वन परसेंट साइंटिस्ट और हाईली साइंटिस्ट हाईली साइटेड साइंटिस्ट तो ये अगर आपने ये लेवल अचीव करना है तो यू मस्ट अ सिस्टमेटिक रिव्यू और आपके राइटिंग में कोहरेंस होनी चाहिए जान होनी चाहिए आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए